हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तीन न्यूज़ दिखाऊंगा। लाइव हिंदुस्तान का न्यूज़ क्या आया है, प्रभात खबर में क्या आया है, दैनिक जागरण में क्या आया है, वो सारी अपडेट बताऊंगा इस वीडियो में। कितना फीसदी स्टूडेंट है जो पास किया है और कितना फर्स्ट डिवीज़न किया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ध्यान से देखिए, कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आज 12:30 बजे आएगा। ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, लेकिन यहाँ ये आप लोगों को शायद नहीं पता है कि दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक 2020 का परीक्षा फल मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे घोषित होगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को बताया कि परीक्षार्थी रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट ऑनलाइन BSEB.in और BiharBoardOnline.com पर देख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थी आपके अपने अखबार हिंदुस्तान की वेबसाइट www.livehindustan.com पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड स्कैन कर रिजल्ट देख पाएंगे। परीक्षा फल की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, इस मौके पर शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव RK महाजन भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल 5 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ था, आप लोगों को जैसा कि पता है। यहाँ देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, कहता है 85% से अधिक उत्तीर्णता की संभावना है, यानी 85% से ज़्यादा जो है विद्यार्थी इस बार पास होने वाले हैं। बोर्ड सूत्रों के अनुसार इस बार रिजल्ट 85% से अधिक होगा। पिछली बार 80.73% रिजल्ट रहा था। इस बार रिजल्ट में छात्रों को 20% अतिरिक्त विकल्प वाले प्रश्नों का फायदा होगा, इससे रिजल्ट का पास प्रतिशत बढ़ सकता है। मैट्रिक 2020 में पहली बार सभी विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 20% अतिरिक्त विकल्प छात्रों को मिला था, यानी 100 अंकों की परीक्षा में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इसमें 50 प्रश्न का जवाब छात्रों को देना था। इसका फायदा इस बार के रिजल्ट में भी दिखेगा। 20% अतिरिक्त विकल्प वाले प्रश्न होने से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देने में छात्रों को सुविधा मिली। सूत्रों की माने तो इस बार 85% तक उत्तीर्णता की संभावना है। ज्ञात हो कि 2019 में 80.73% छात्र पास हुए थे, आप लोगों को पता है दोस्तों। अब यहां देखिए क्या कहा गया है कि 17 से 24 फरवरी तक ली गई थी मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी। कुल 15,29,393 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था। इसमें 7,83,034 छात्राएं और 7,46,359 छात्र शामिल थे। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में ली गई थी। प्रथम पाली में 7,74,415 और दूसरी पाली में 7,54,978 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। दोस्तों ऐसा आप लोगों को पता है, लेकिन लॉकडाउन के बारे में देखिए क्या कहता है कि लॉकडाउन से रिजल्ट में देरी रही। बोर्ड की माने तो मैट्रिक रिजल्ट अप्रैल में घोषित कर दी जाती, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने से मूल्यांकन बाधित हो गया, इस कारण रिजल्ट अप्रैल में जारी नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये था बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव हिंदुस्तान का था। अब चलिए मैं आप लोगों को प्रभात खबर 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ कि प्रभात खबर में क्या आया है। दोस्तों ये है दोस्तों प्रभात खबर का न्यूज़, बिहार बोर्ड आज आएगा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे जारी होगा। रिजल्ट बोर्ड के वेबसाइट ऑनलाइन BSEB.in और BiharBoardOnline.com पर जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन मौजूद रहेंगे। हालांकि कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया जाएगा, बोर्ड रिजल्ट ऑनलाइन जारी करेगा। जी हां दोस्तों, पिछले साल से बेहतर हो सकता है इस बार का रिजल्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है। चलिए दिखाते हैं बेहतर रिजल्ट क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, बिहार बोर्ड आज आएंगे रिजल्ट। मैट्रिक में कुल 15,29,393 छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें 7,83,034 छात्राएं और 7,46,359 छात्र थे। पटना जिला में कुल 74 परीक्षा केंद्रों पर 59,175 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 36,890 छात्राएं एवं 32,285 छात्र हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं 17 से 24 फरवरी के बीच हुई थी। दोस्तों तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है, आप लोग मिठाई मंगा लें, अपना एडमिट कार्ड मोबाइल अपने पास रखें, और दोस्तों जैसे ही 12:30 बजे
रिज़ल्ट अपलोड होता है तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी 4-5 ऐसा वेबसाइट है जो मैंने पहले ही बता चुका है, और आज के इस वीडियो में जो वेबसाइट दिया गया है हिंदुस्तान और प्रभात खबर में, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए कॉपी पे। और जैसे ही रिज़ल्ट अपलोड होता है तो सुबह के सारे यानी दोपहर के 12:30 बजे रिज़ल्ट अपलोड होगा और आप लोग अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे। आप लोगों को रिज़ल्ट क्या आता है, क्या आएगा, क्या आने वाला है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों मिठाई लेकर ज़रूर रख लें, और जैसे ही रिजल्ट आता है सारे दोस्तों को मिठाई खिलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।